हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ संदीप गिरधर। जैसा कि आपको पता है, हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 6G के क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट कर लिए थे और मुझे उम्मीद है कि आपने भी अच्छे से समझ लिए होंगे। तो चलिए, इस वीडियो के अंदर हम इस एक्सरसाइज को भी फिनिश कर देते हैं, इसी के साथ ही ये चैप्टर भी हमारा कम्प्लीट हो जाएगा। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या स्टेटमेंट है, 12A2 प्लस 7AB माइनस 15B2। तो हमें इसके फैक्टर करने हैं, तो आपको करना क्या होगा, इसमें 2A2 की मल्टीप्लाई करनी है माइनस 15B2 से। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 15 × 2 = 30 A2 B2। ठीक है, अब फैक्टर किसके करने हैं, हमें 7AB के। तो ऐसे 7AB के फैक्टर करने हैं जिससे कि मल्टीप्लाई तो क्या आ जाए, 30 माइनस A2 B2, और ऐड करें तो क्या आ जाए, 7AB। तो आपको पता चल चुका होगा 10AB माइनस में 3AB। ठीक है, 10AB में से 3AB को माइनस करेंगे तो 7AB आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 30A2B2 और माइनस 15B2 एज इट इज। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, 2A, तो अंदर क्या रहेगा, A प्लस में 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5, A बाहर आ चुका है B, फिर माइनस में 3 कॉमन आ जाएगा, B भी कॉमन आएगा साथ में, तो अंदर क्या रहेगा, A प्लस में 5B एज इट इज। अब देखिए, फर्स्ट फैक्टर हमारा क्या बन जाएगा, a प्लस 5b, और सेकंड फैक्टर जो है वो क्या हो जाएगा, 2a माइनस में 3b। तो अब देखिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, इसमें भी हमें क्या करना है, सबसे पहले कॉमन ले लो 4, 24 और 20 में से 4 को हम बाहर ले सकते हैं, तो अंदर क्या रहेगा, x2 प्लस में इसको डिवाइड कर दो तो 6x प्लस में 5। अब हमें मल्टीप्लाई इन दोनों की करनी है तो 5x2, तो बिल्कुल सिंपल फैक्टर बनेंगे इसके, प्लस का 5x और प्लस का 1x। ठीक है, इन दोनों को ऐड करोगे तो 6x आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 5x2 आ जाएगा प्लस में 5। अब देखिए, यहाँ से एक तो x कॉमन है और दूसरा यहाँ से 1 कॉमन आएगा, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा, तो 4 बाहर रहेगा एज इट इज, तो एक फैक्टर हो जाएगा x प्लस 5 और दूसरा हो जाएगा x प्लस 1। अब देखिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, हमें मल्टीप्लाई करने से पहले देखना है कि कुछ कॉमन तो नहीं है, इसमें 2 कॉमन आ रहा है, तो जब इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या रह जाएगा, 6A2 प्लस में 2 कॉमन आ चुका है A, और 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2। अब देखिए, इसके बाद इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 6A2 की माइनस 2 से, तो ये हो जाएगा माइनस 12A2। अब बीच में क्या है, A, A के ऐसे फैक्टर करने हैं तो 4×3 = 12 बनेगा। तो इतना करने के बाद आपको भी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपने रफ नोटबुक में जरूर इसको करके देखना है, फिर आप बिना वो किए प्राइम फैक्टर आपको पता चल जाएंगे कि इसके ये फैक्टर बनने वाले हैं, बस आपको प्रैक्टिस करनी होगी रफ नोटबुक में। अब 6A2 प्लस 4A में से कॉमन क्या आ जाएगा, 2A, अंदर क्या रहेगा, 3A प्लस 4A को 2 से डिवाइड करेंगे, 2A से डिवाइड करेंगे तो 2 रह जाएगा, माइनस में यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो अंदर बन जाएगा 3A प्लस 2। तो एक फैक्टर 2 तो बाहर ही रहेगा, 3A प्लस 2 बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों में सेम फैक्टर है, और अंदर दूसरा फैक्टर क्या रहेगा, 2A माइनस 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, 12m की पावर 3 प्लस 6m2 माइनस 6m, पहले हम कॉमन लेंगे तो देखो 6 भी कॉमन आ रहा है और m भी कॉमन आ रहा है, तो 12 को 6 से डिवाइड करेंगे 2, m3 में से m को बाहर ले लेंगे तो m2 अंदर रह जाएगा, 6 बाहर आ चुका है, 1m अंदर रह जाएगा, माइनस ये पूरी टर्म बाहर आ चुकी है तो अंदर क्या रहेगा, इसके प्लेस पे 1। अब हमें इन दोनों के फैक्टर करने हैं, तो इसके भी फैक्टर बहुत ईजी है, देखो 2m प्लस का ले लेंगे और 1m माइनस का ले लेंगे, 2m में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1m रह जाएगा, जब दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों की प्रोडक्ट जो है माइनस 2m2 आ जाएगी और माइनस 1 एज इट इज। अब देखिए, 6m के बाद इन दोनों में से क्या कॉमन है, 2m, अंदर क्या रहेगा, m प्लस में 1, अब इन दोनों में से माइनस 1 बाहर ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, m प्लस 1। तो देखिए, 6m बाहर है, एक फैक्टर तो हो जाएगा m प्लस 1 और दूसरा फैक्टर इसका जो बनेगा वो क्या होगा, 2m माइनस 1। इसी क्वेश्चन के साथ आपके 15th क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, इसके अंदर अभी हमें पहले कॉमन लेना है, देखो 6, 22 और 8 में से 2 कॉमन आ जाएगा, x5, x3 और x में से x कॉमन आएगा। अब देखो 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3, x की 5 को x से डिवाइड करेंगे तो x की 4 रह जाएगा अंदर, माइनस 22 को 2 से डिवाइड करेंगे 11, x की 3 को x से डिवाइड करेंगे x2, माइनस 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4, x बाहर आ चुका है। अब हमें इनके फैक्टर्स करने हैं, तो पहले हमें इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी होगी, तो माइनस 12x की 4। तो अब इसके हमें क्या फैक्टर बनाने हैं, तो 12 बनाने के लिए आप क्या बना सकते हो,
12 भी बन सकता है। तो देखिए 3x की पावर 4 माइनस का 12x की पावर 2 ले लेते हैं और प्लस का 1x की 2 लेंगे, जब इनको ऐड करेंगे तो माइनस 11x की 2 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 12x की 4 हो जाएगा और माइनस 4। अब देखिए 2x एज इट इज, इन दोनों में से पहले कॉमन लेना है, 3x की पावर 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या रहेगा यहाँ पर देखिए, अब इसके बाद 3 बाहर आ चुका है, x की 2 माइनस में 12 को 3 से डिवाइड करेंगे 4, और प्लस में यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो x की 2 माइनस 4। अब देखो 2x एज इट इज इंटू में एक फैक्टर तो हो जाएगा x 2 माइनस 4, दूसरा फैक्टर क्या बन जाएगा 3x 2 प्लस 1। कुछ बच्चे यहीं तक छोड़ देंगे पर आगे भी इसके फैक्टर बन रहे हैं, देखिए कैसे 2x इंटू एक्स 2 माइनस 4, तो x 2 माइनस 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का स्केयर, तो ये बन जाएगा a माइनस b, a प्लस b वाले फॉर्मूला, तो x माइनस 2 एक्स प्लस 2, जब बीच में माइनस का साइन आ जाए और सेकंड टर्म भी किसी का स्केयर बनता हो तो हम ए टू माइनस बी टू वाली आइडेंटिटी ज़रूर अप्लाई करेंगे, यदि भूल जाओगे तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे कुछ, तो ये इसका कंप्लीट फैक्टराइजेशन होगा। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेवनटीन के अंदर देखिए क्या स्टेटमेंट गिवन है, 6, 21 और 12 में से सबसे पहले हम कॉमन लेंगे 3, जेड की 6, जेड की 4, जेड की 2, तो जेड की 2 भी कॉमन आ जाएगा, तो 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2, z की पावर 4 माइनस 7, z की पावर 2 माइनस 12 को 3 से डिवाइड करेंगे 4, z2 बाहर आ चुका है, तो देखिए 3z2 इंटू इन दोनों की प्रोडक्ट हो जाएगी माइनस 8, तो इसका भी वही उसी तरह से ही करना होगा, माइनस का 8z2 और प्लस का 1z2 और माइनस में 4। अब देखिए 3z2 इंटू में इन दोनों में से क्या कॉमन है 2z2, अंदर क्या रहेगा z की पावर 2 माइनस में 4, प्लस में यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ रहेगा z2 माइनस 4। अब देखिए इसके बाद क्या है 3z2 इंटू में एक फैक्टर तो हमारा बनेगा z2 माइनस 4 और दूसरा फैक्टर क्या बनेगा 2z2 प्लस 1, इसको भी आगे फैक्टराइज करना है आपको, इसको क्या लिख सकते हैं हम z माइनस 2 और z प्लस 2, और साथ में क्या है 2z2 प्लस 1, ये साथ चलता रहेगा। अब इसके बाद देखिए हमारे 17 तक तो थे कंप्लीट, अब MCQs क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। ए रेक्टेंगुलर पार्किंग लॉट हैज एन एरिया, देखो एक कोई लॉट है जो कि रेक्टेंगुलर है, उसका हमें ये जो आपको पता है ये एरिया होता है, एरिया इक्वल है 5x2 प्लस 17x प्लस 6, तो आपको ये बताना है कि उसमें से कोई एक साइड बताओ, या तो लेंथ बता दो या ब्रेड्थ बता दो, तो आपको ये पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लॉट किसके इक्वल होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ के, तो इसके हमें दो फैक्टर बनाने हैं सबसे पहले, तो जो दो फैक्टर होंगे उनमें से एक लेंथ होगी दूसरी ब्रेड्थ होगी, हमें नहीं पता कौन क्या है पर हमें ये पता चल जाएगा कि इन दोनों में से एक साइड कौन सी है, तो उसमें से हमें मैच करना है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 5x2 प्लस 17x प्लस में 6, इसके हमें क्या बनाने हैं फैक्टर बनाने हैं, तो देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या करेंगे 6 5 30x2, तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे 15 2 जा बन जाएंगे, तो 5x2 प्लस में 15x प्लस में 2x प्लस में 6, इन दोनों में से कॉमन क्या आ गया 5x, तो अंदर क्या रहेगा x प्लस 3 और इधर से कॉमन क्या आ जाएगा 2, तो x प्लस 3, तो एक फैक्टर होगा x प्लस 3 और दूसरा फैक्टर होगा 5x प्लस 2, तो आप देखो इसमें कहीं पर भी x प्लस 3 है नहीं है, तो ये नहीं समझना गलत है, इनमें से एक ही पूछ रखा है, 5x प्लस 2 देखिए कहीं है 5x प्लस 2, यस सी ऑप्शन, तो इसके अंदर जो सी ऑप्शन होगा वो हमारा क्या होगा राइट होगा। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, द कंप्लीट फैक्टराइजेशन ऑफ माइनस 12 बी की 5 माइनस बी की 3 प्लस बी इज, इसमें से कंप्लीट फैक्टराइजेशन बतानी है, इसमें थोड़ा सा क्या है मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो जाते हैं बच्चे, यहाँ से पहले देखते हैं ऑप्शन नंबर बी में माइनस बी कॉमन लिया हुआ है, तो कुछ बच्चे यहाँ से माइनस बी को कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस बी जब हम कॉमन लेंगे तो ये माइनस का साइन प्लस में चेंज हो जाएगा, अंदर क्या रहेगा 12, b की 5 में से b बाहर आएगा तो b की 4 रह जाएगा, अब ये माइनस था माइनस बाहर ले चुके हैं तो प्लस हो जाएगा, b की 3 में से b को बाहर लेंगे तो b2 रहेगा, फिर प्लस का साइन था अंदर और हमने बाहर माइनस लिया है तो ये साइन क्या हो जाएगा चेंज होके माइनस हो जाएगा ये 1। अब कुछ बच्चे ये देखेंगे कि ऑप्शन नंबर ए के अंदर माइनस बी
12 बी की 4 प्लस बी 2 माइनस 1 उनको दिखाई देगा, तो वो क्या करेंगे, ए के ऊपर ही टिक लगा देंगे। पर आप क्वेश्चन का मतलब समझिए क्या लिखा हुआ है, द कंप्लीट फैक्टराइजेशन ऑफ दिस। इसकी कंप्लीट फैक्टराइजेशन हमें बतानी है, न कि कोई एक पार्ट हमें इसमें से सिलेक्ट करना है। तो अभी ये कंप्लीट फैक्टराइजेशन इसकी नहीं हुई है, तो यहाँ तक तो ये ठीक ही है, गलत नहीं है, पर ये ऑप्शन इसका जो ए है वो करेक्ट नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, इसके आगे फैक्टर बनाएंगे। या तो आप प्लस बी कॉमन लेके भी कर सकते हो, माइनस बी लेके भी कर सकते हो, दोनों से आपका आंसर ठीक आएगा। अब देखो इन दोनों की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12 बी की पावर 4 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 12 बी की 4 हो जाएगा, माइनस 1 है यहाँ। अब बी 2 के फैक्टर बनाने तो 4 3 जा बन जाएंगे, तो देखो 12 बी की 4 प्लस का 4 बी 2 ले लेंगे और माइनस का 3 बी 2 ले लेंगे और माइनस में 1। अब देखो माइनस भी एज इट इज रहेगा, इन दोनों में से हम क्या कॉमन लेंगे, 4 बी 2 कॉमन लेंगे, अंदर क्या रहेगा यहाँ पे 3 बी की 2 और फिर यहाँ से 1 रह जाएगा माइनस, यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 3 बी 2 प्लस 1। तो देखिए माइनस भी इन 2 में एक फैक्टर तो हो जाएगा 3b2 प्लस 1 और दूसरा फैक्टर हो जाएगा 4b2 माइनस 1। अब आप मैच करके देखिए इसके अंदर माइनस बी इंटू में देखो ये 3b2 प्लस 1 और इधर क्या है 4b2 माइनस 1। तो कुछ बच्चे c को टिक लगा देंगे, सोचेंगे कि इसकी कंप्लीट फैक्टराइजेशन हो चुकी है, पर ये ऑप्शन भी आपका गलत माना जाएगा। क्यों माना जाएगा, हमें स्टेटमेंट में क्या गिवन है, कंप्लीट फैक्टराइजेशन करनी है, तो अभी भी इसके और फैक्टर हो सकते हैं। तो देखो माइनस बी इंटू में 3b2 प्लस 1 इंटू में इसको आप देखिए क्या लिख सकते हो, वो आपको याद आ गया होगा a2 माइनस b2 किसके इक्वल होता है, a माइनस b a प्लस b, तो इसको हम लिख सकते हैं 2b का स्क्वायर माइनस में 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। तो माइनस b एज इट इज 3b2 प्लस 1 इंटू, अब ये बन जाएगा 2b माइनस 1 और 2b प्लस 1। अब आप मैच करके देखिए इसमें, अब आप देखोगे तो आपको यहाँ माइनस बाहर दिखाई नहीं देगी, तो इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। तो देखिए ये माइनस बी है, ये 3b2 प्लस 1 है, इस 2b माइनस 1 में से हम माइनस बाहर निकाल सकते हैं। तो जब 2b माइनस 1 में से माइनस बाहर आएगा तो उस माइनस की और इस माइनस की मल्टीप्लाई होकर ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ध्यान रखना, और ये क्या बन जाएगा 1 माइनस 2b और इनटू में ये 2b प्लस 1 है, तो इसको तो आपकी मर्जी है, आप 1 प्लस 2b भी लिख सकते हो, 2b प्लस 1 भी लिख सकते हो। अब मैच करिए देखिए प्लस बी, प्लस बी 3b2 प्लस 1 या 1 प्लस 3b2 एक ही बात होती है, और 1 माइनस 2b, 1 माइनस 2b, 1 प्लस 2b, 1 प्लस 2b, तो सभी फैक्टर्स अब मैच कर रहे हैं, तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। इसको इस तरह से आपने करना है, यदि इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन है, होट्स द बाइनोमियल x माइनस 3 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइनोमियल। आपके पास फोर ऑप्शंस हैं, फोर ऑप्शंस में हमें ट्राइनोमियल्स गिवन हैं और ये बताना है कि कौन से ट्राइनोमियल में x माइनस 3 फैक्टर नहीं है। तो इसको करने के भी मैं आपको थ्री मेथड्स हैं, वो तीनों ही बता देता हूँ। एक मेथड तो ये होता है कि हम इसके क्या करके देखेंगे, जैसे 2x2 माइनस x माइनस 15 है, इसके हम फैक्टर बना के देख लेंगे। फैक्टर कैसे, माइनस 15 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 30x2। तो देखो 2x2 माइनस 30 बनाना है ना हमें, तो 30 बनाने के लिए 6 5 जा 30 लेंगे, तो माइनस का 6x प्लस का 5x और माइनस 15 एज इट इज, 2x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 3, 5 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 3, एक फैक्टर हो जाएगा x माइनस 3, दूसरा हो जाएगा x प्लस 5। तो आप देख सकते हो क्या x माइनस 3 इसके अंदर है, yes, तो इसका मतलब ए ऑप्शन के अंदर तो हमारा x माइनस 3 है, हमें क्या बताना है किसमें नहीं है। तो इसी तरह से बी ऑप्शन करेंगे, सी ऑप्शन करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ डी ऑप्शन जो है उसके अंदर इसके फैक्टर नहीं बनेंगे। फैक्टर तो बनेंगे पर x माइनस 3 जो है वो नहीं आएगा, तो इसके लिए आपका आंसर तो यहीं तक कंप्लीट हो जाता है। बी और सी के आप बना के देख लेना, डी के नहीं, डी में x माइनस 3 नहीं आएगा, ठीक है, आंसर कंप्लीट हो गया। पर इसको ऐसे भी किया जा सकता था, सेकेंड मैथड जो है वो क्या है कि आप 2x2 माइनस एक्स माइनस 15 को एक्स माइनस 3 से डिवाइड करके देख लीजिए, यदि आपको डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आ जाता है, फिर बोल रहा हूँ, यदि डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आ जाता है तब तो यस लिख देना कि यस
x माइनस थ्री इज फैक्टर ऑफ दिस, अदरवाइज यदि रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा, जीरो के अलावा कुछ भी आ रहा है तो वो उसका फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, अब इसका तो होगा, तो अब आप देख सकते हो जैसा कि मैंने आपको ये बताया था कि जो हमारा लास्ट पार्ट है उसके अंदर ये इसका फैक्टर नहीं है, तो आप डिवाइड करके देख सकते हो, 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, 2 माइनस का 3, 2 जा 6x, माइनस प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस है, सब्ट्रैक्शन इज कंपलसरी। अब माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 3, ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल हो गए, पर ये माइनस 6 आ जाएगा, तो माइनस 6 जो है वो किसके इक्वल नहीं है, जीरो के इक्वल नहीं है, इसीलिए ये इसका फैक्टर नहीं होगा। एक मेथड ये था, दो मेथड हो चुके हैं आपके पास, अब तीसरा मेथड भी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे हम पता लगाएंगे कि ये इसका फैक्टर है या नहीं। तो देखो किसके बारे में हमें बताना है कि x माइनस थ्री जो है वो इनका फैक्टर किसका नहीं है, तो आप x माइनस थ्री को जीरो के इक्वल रख लीजिए, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस थ्री उधर जाके जीरो में ऐड हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, थ्री आ जाएगी। ठीक है, तो x किसके इक्वल आया, थ्री के। अब थ्री की वैल्यू को आप ऑप्शन नंबर ए में, बी में, सी में, डी में, जहां भी x दिखाई देता है वहां पे पुट कर दीजिए, और यदि सोल्व करने के बाद आपका आंसर जीरो आ जाता है तब तो वो उसका फैक्टर होगा, और जीरो नहीं आता तो वो उसका फैक्टर नहीं है। आपको मैं करके दिखा देता हूँ, इसके अंदर बी ऑप्शन ले लेते हैं, जैसे ए में रखोगे, बी में रखोगे, सी में रखोगे, तीनों के अंदर आंसर जीरो आएगा, पर मैं आपको बी का प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। देखो 3x2 माइनस 13x प्लस 12, तो आप x के प्लेस पे क्या वैल्यू पुट करोगे, 3, तो देखो 3 इंटू में x के प्लेस पे 3 रख लेते हैं, 3 का स्क्वेयर माइनस 13 इंटू x के प्लेस में 3 प्लस में 12, तो देखिए 3 इंटू 3 का स्क्वेयर किसके इक्वल होता है, 9 के, माइनस 3 13 थ्री जा 39 और प्लस में 12, 9 थ्री जा 27 माइनस 39 प्लस 12। अब देखो ये 27 प्लस का है, 12 भी प्लस का है, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 39 और माइनस का 39 है, 39 से 39 को कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर है। अभी अभी हमने ये चेक भी किया था, क्या चेक किया था, डिवाइड डिवीजन मेथड से, कि इसका ये फैक्टर नहीं है, तो इसमें आप वैल्यू रख के भी देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर जीरो नहीं आएगा। तो देखो 2 इंटू में 3 का स्क्वेयर 9 माइनस 21 माइनस 3, 9 टू जा 18 माइनस 21 माइनस 3, 18 में से 21 को माइनस करेंगे माइनस 3 और फिर माइनस 3, दोनों के साइन माइनस के हैं तो माइनस का साइन रहेगा और ये ऐड हो जाएंगे, तो माइनस 6 जो है वो किसके इक्वल नहीं है, जीरो के इक्वल नहीं है। तो इस तरह से हमने तीनों मेथड से आपको ये बता दिया कि किस तरह से हमें पता करना होता है कि कौन किसका फैक्टर है या नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। तो इसी क्वेश्चन के साथ ही हमारी ये वीडियो भी कंप्लीट हो चुकी है, एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।